हेलो स्टूडेंट दिस इज छाया दो एंड दिस वीडियो इज़ रिलेटेड टू एल एल बी ऑनर्स सेकेंड सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर फोर आज यूनिट टू पे फर्स्ट लेक्चर है इसलिए सबसे पहले हम यूनिट टू का सिलेबस देखेंगे कि हमें इसमें कौन कौन से पॉइंट डिस्कस करने हैं एंड यूनिट टू कितने लेक्चर्स में कम्प्लीट होगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये यूनिट टू का सिलेबस है ठीक है रिलेटेड है डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश लीगल सिस्टम इन इंडिया से यूनिट वन जो है वो लीगल सिस्टम इन एंसेंट इंडिया एंड लीगल सिस्टम इन मिडवल इंडिया था ठीक है लेकिन अभी जो यूनिट टू है वो रिलेटेड है डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश लीगल सिस्टम इन इंडिया से इसे देखिए मैंने टोटल ट्वेल्व लेक्चर्स में डिवाइड कर रखा है फर्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चार्टर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी सिक्सटीन एंड सिक्सटीन एंड लेक्चर टू में हम डिस्कस करेंगे चार्टर ऑफ 1726 एंड चार्टर ऑफ 1753 एंड लेक्चर थ्री में हम देखेंगे सेटलमेंट्स जिसमें सूरत मद्रास बॉम्बे एंड कलकत्ता डिस्कस करेंगे ये बहुत लेंदी टॉपिक है लेक्चर थ्री बट इसे एक लेक्चर में कंप्लीट करेंगे लेक्चर फोर देखिए कोर्ट्स मेयर कोर्ट सिक्सटीन एटी सेवन एंड सेवनटीन ट्वेंटी सिक्स लेक्चर फाइव में हम सुप्रीम कोर्ट डिस्कस करेंगे सेवनटीन सेवनटी फोर लेक्चर सिक्स रिलेटेड है द रेगुलेटिंग एक्ट सेवनटीन सेवनटी थ्री से लेक्चर सेवन में जो हम डिस्कस करेंगे देखिए द सेटलमेंट एक्ट एंड पिट्स इंडिया एक्ट सेवनटीन एटी वन एंड सेवनटीन एटी फोर अब लेक्चर फाइव सिक्स एंड सेवन देखिए इसमें सुप्रीम कोर्ट रेगुलेटिंग एक्ट सेटलमेंट एक्ट एंड पिट्स इंडिया एक्ट है ये यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम से बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं नेक्स्ट लेक्चर एट है, है जिसमें राजा नंद कुमार का केस है इस इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आता है लेक्चर नाइन पे हम दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पटना केस एंड कौसीजुरा का केस लेक्चर टेन में हम जुडिशियल प्लान देखेंगे वॉरेन हेस्टिंग का सेवनटीन 1774 टू सेवनटीन फोर एंड सेवनटीन एट्टी का एंड नेक्स्ट जो लेक्चर है लेक्चर एलेवन इसमें हम लॉर्ड कार्नवालिस का जुडिशियल रिफॉर्म देखेंगे सेवनटीन एटी सेवन सेवनटीन नाइन्टी एंड सेवनटीन नाइन्टी थ्री और नेक्स्ट है लेक्चर ट्वेल्व जिसमें हम लॉर्ड विलियम बैंटिक को देखेंगे जो उसने क्या रिफॉर्म किया है या क्या एबॉलिश किया है ठीक है तो टोटल आप देखिए जो यूनिट टू है वो ट्वेल्व लेक्चर्स में डिवाइड है ठीक है जिसे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे ताकि आप हर एक पॉइंट को अच्छे से कवर कर सकें तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट टू का फर्स्ट लेक्चर चार्टर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी सिक्सटीन हंड्रेड एंड सिक्सटीन सिक्सटी वन दो चार्टर्स इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे तो देखिए सबसे पहले चार्टर ऑफ सिक्सटीन हंड्रेड जो सिक्सटीन हंड्रेड का चार्टर है उस पर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में केवल शॉर्ट क्वेश्चन आता है यहाँ देखिए लिखा हुआ है एक सिंपल सा क्वेश्चन चार्टर एक्ट सिक्सटीन हंड्रेड एटी ये टू थाउजेंड सिक्सटीन में पूछा है सेवनटीन में पूछा है एटीन में पूछा है ठीक तो है तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो बनते हैं चार्टर पे अब ये चार्टर की इम्पॉर्टेंस क्या है ठीक है सबसे पहली चीज कि द ईस्ट इंडिया कंपनी गोज टू द क्रेडिट ऑफ इस्टेब्लिशिंग द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया अब आप इससे समझिए कि चार्टर की क्या इंपॉर्टेंस है सिक्सटीन हंड्रेड की जो यहाँ पर ब्रिटिश एम्पायर इंडिया में इस्टैब्लिश हुआ उसका क्रेडिट जो है वो सिक्सटीन हंड्रेड चार्टर को दिया जाता है नेक्स्ट पॉइंट ये है क्योंकि भाई ये पहला चार्टर है तो इसलिए इसे क्रेडिट दिया जाता है ठीक है इसे किसने ग्रांट किया क्वीन एलिजाबेथ ने कब ग्रांट किया ऑन थर्टी फर्स्ट दिसंबर सिक्सटीन हंड्रेड को ठीक है अब नेक्स्ट पॉइंट कि ये जो चार्टर है इन्होंने ग्रांट किया उसमें क्या लिखा है इन्होंने क्या डिफाइन किया है चार्टर में तो कॉन्स्टिट्यूशन पावर प्रिविलेज, ये सारी चीज़ें किसके लिए कंपनी के लिए ये ध्यान रखिएगा कि जो चार्टर है उसमें क्या लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन पावर एंड प्रिविलेज किसके लिए लिखा है कंपनी के लिए लिखा है उस कंपनी का नाम क्या है देखिए मैंने बोल्ड कर रखा है द कंपनी वॉज कॉल्ड द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंडन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज कितना लंबा नाम है इसलिए इसे बाद में किस नाम से बुलाया जाने लगा देखिए विच लेटर कम टू बी नोन एज द ईस्ट इंडिया कंपनी अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों कहा गया क्योंकि आप पूरे वर्ल्ड को देखेंगे तो लंदन के ईस्ट में जो है वो इंडिया है तो ये कंपनी लंदन से किधर जा रही है ईस्ट की तरफ और कहाँ जा रही है इंडिया में इसलिए ये है ईस्ट इंडिया कंपनी ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहली चीज कि ये कंपनी कितने टाइम पीरियड के लिए इंडिया आई थी फिफ्टीन ईयर्स के लिए फिफ्टीन ईयर्स के लिए इसे भेजा गया था इंडिया ट्रेड करने के लिए इस कंपनी को कंपनी एक टीम है किसकी मर्चेंट्स की और ये टीम इंडिया आ रही है किस चीज़ के लिए ट्रेड करने के लिए इसे किसने भेजा है क्वीन एलिजाबेथ ने भेजा है ठीक है मतलब कि ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने भेजा है कि इंडिया ट्रेड करने के लिए और कितने टाइम पीरियड के लिए फिफ्टीन ईयर्स के लिए और अगर इन्हें प्रॉफिट होता है तो ये टाइम पीरियड और आगे एक्सटेंड कर दिया जाएगा और अगर प्रॉफिट नहीं होता है तो ये नोटिस देंगे दो साल पहले नोटिस देंगे और ये वापस इंग्लैंड लौट जाएंगे ठीक है तो ये इनका था तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इसमें इसमें वो ध्यान रखना है कि ये कितने टाइम पीरियड के लिए आ रहे हैं फिफ्टीन ईयर्स के लिए आ रहे हैं और अगर इनका ट्रेड या बिजनेस अच्छे से चलने लगा तो ये क्या करेंगे इस लीज़ को जो फिफ्टीन ईयर्स के लिए मिली है इसको आगे और एक्सटेंड करा लेंगे ठीक है या गवर्नमेंट जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट है वो खुद ही इस टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर देगी नेक्स्ट देखिए मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन की जो चार्टर है उसका मैनेजमेंट क्या था कितने लोग थे इसमें तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो पॉइंट्स लिखा उस पर ये डायग्राम है वो देखिए एक जनरल कोर्ट थी 1600 में जनरल कोर्ट इस्टेब्लिश हुई जिसमें गवर्नर 24 डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स थे और जो गवर्नर और ट्वेंटी फोर डायरेक्टर्स हैं शेयर होल्डर तो चेंज नहीं हो सकते जिसने शेयर किया है इसमें ठीक है लेकिन जैसे जो गवर्नर है, जो ट्वेंटी फ़ोर डायरेक्टर्स हैं इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है इलेक्शन के थ्रू होता है एवरी ईयर तो ये ध्यान रखिएगा गवर्नर एंड ट्वेंटी फोर डायरेक्टर्स का जो अपॉइंटमेंट है वो इलेक्शन के थ्रू होता है और एवरी ईयर होता है ठीक है अब ये जो जनरल कोर्ट है या जो कंपनी है वो किसके लिए ऑथराइज है उसके पास कितनी पावर है तो उसके पास जो लॉ बनाने की पावर है जनरल कोर्ट के पास वो किसके लिए है खुद के लिए है कंपनी अपने लिए लॉज बना सकती है अपने सर्वेंट्स के लिए लॉ बना सकती है ट्रैफिक जो ट्रेड है उसको एडवांस करने के लिए लॉ बना सकती है ठीक है तो यहाँ पर खुद के लिए लॉ कंपनी बना सकती है जो सर्वेंट्स हैं उनके लिए लॉ बना सकती है और दूसरा उसका क्या काम है वो ट्रेड को और डेवलप करने के लिए लॉ बना सकती है कि और बेहतर कैसे किया जाए तो आप देखिए कि यहाँ पर 1600 में कोई भी पावर ज़्यादा नहीं दी गई है जो बहुत लिमिटेड पावर दी गई है क्योंकि ये मर्चेंट्स यहाँ ट्रेड करने आए थे न कि यहाँ पर रूल करने आए थे आप इस बात को समझिएगा इसलिए स्टार्टिंग में इनके पास पावर बहुत ज़्यादा कम है तो आप देखिए कि कितने टाइम पीरियड के लिए आए किसने ग्रांट किया इसका पूरा नाम क्या है बाद में इसे किस नाम से जाना जाने लगा इसमें कितने डायरेक्टर्स हैं कितने गवर्नर हैं शेयर होल्डर हैं कि नहीं तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी इनको लॉ बनाने के लिए पावर क्या है देखिए द चार्टर ऑथराइज द कंपनी टू मेक लॉ ऑर्डर एंड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द गुड गवर्नेंस ऑफ इट्स इट्स सर्वेंट्स एंड फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द इट्स ट्रेड एंड ट्रैफिक तो आप देखिए कि इनके पास सिर्फ़ और इतनी ही पावर है ये कंपनी के जो मेंबर्स हैं या जो मर्चेंट्स हैं उनके अंदर कोई डिस्प्यूट होता है या कोई गलत काम करते हैं तो ये केवल और केवल पेनाल्टीज इम्पोज कर सकते हैं पनिशमेंट देने के लिए क्या है ये पनिशमेंट देने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ क्या करेंगे पेनल्टीज़ लगा सकते हैं और अगर सीरियस कोई क्राइम इन लोगों ने किया है तो इसका जो डिसीजन होगा या ये केस कौन देखेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट देखेगी इसके पास पावर नहीं है अभी 1600 में कंपनी के पास कोई पावर नहीं है अभी ये यह यहाँ पर केवल एक लिमिटेड पावर है ताकि वो अपने अंदर जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनको सॉल्व करे अपने ट्रेड को आगे बढ़ाए सिर्फ और सिर्फ इतनी ही पावर है उसके पास ठीक है तो ये 1600 चार्टर था अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 1661 का चार्टर ठीक है 1661 का चार्टर जो है वो किसने ग्रांट किया था नाम है चार्ल्स सेकेंड ठीक है वहाँ पे क्वीन एलिजाबेथ का नाम आता है और यहाँ पे चार्ल्स सेकेंड का अब आप देखिए 1600 के बाद आप डायरेक्ट 1661 पढ़ रहे हैं तो ये कितना टाइम पीरियड हुआ 60 ईयर्स ठीक है अब जैसे 15 ईयर्स के लिए कंपनी यहाँ आई थी 1600 में आपने देखा उसका टाइम ड्यूरेशन कितना है सिक्स फिफ्टीन ईयर है फिर 15 ईयर कंप्लीट हुआ क्योंकि कंपनी प्रॉफिट में थी तो उसका टाइम पीरियड आगे एक्सटेंड होता रहा अब लेकिन जो हम लोगों को पढ़ना है जो इम्पोर्टेंट चार्टर्स हैं उनको पढ़ना है तो जो सिक्सटीन सिक्सटी वन का चार्टर है वो एक जुडिशियल चार्टर है और क्यों जुडिशियल चार्टर कहा गया इसे हम लोग आगे देखेंगे क्योंकि आपने सिक्सटीन हंड्रेड देख लिया है और उसमें अभी तक कोई ऐसी पावर नहीं दी गई थी बहुत लिमिटेड पावर है उनके पास देखिए द कंपनी स्पेंट सिक्सटी ईयर्स ठीक है यहाँ पर सिक्सटी ईयर्स जो है स्पेंड कर चुकी है ट्रेड कर चुकी है ठीक है तो अब क्या हो रहा है बहुत सी प्रॉब्लम फेस कर रही है कंपनी कैसी प्रॉब्लम्स कंट्रोलिंग की पावर उसके पास पावर नहीं है कंट्रोल करने के लिए उसका ट्रेड बढ़ रहा है उसके लोग उसके सर्वेंट उसके ऑफिसर्स बढ़ रहे हैं और डिस्प्यूट प्रॉब्लम्स बहुत सी चीज़ें बढ़ रही हैं लेकिन उसके पास पावर नहीं है इस चीज़ के लिए अपनी पावर को बढ़ाने के लिए कंपनी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास एक लेटर लिखा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़्यादा प्रॉब्लम फ़ेस करना पड़ रहा है इसलिए आप मेरी पावर को इंक्रीस करें फिर यहाँ पे जो किंग हैं चार्ल्स सेकेंड उन्होंने रियलाइज़ कर लिया था क्या रियलाइज़ कर लिया था इंडिया की कंडीशन कि यहाँ के जो रूलर्स हैं जो रूलर हैं वो कितने वीक हैं यहाँ के किंग कितने वीक हैं, वो आपस में ही लड़ रहे हैं तो अब धीरे धीरे जो कंपनी है उसका ट्रेड के साथ साथ इंटरेस्ट डेवलप होने लगा किस में राजनीति में उसका जो इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे डेवलप होने लगा किस में पॉलिटिकल में और जब पॉलिटिकल में उसका इंटरेस्ट डेवलप होने लगा तब उसने सोचा कि अब तो और अच्छे से यहाँ पे अपनी पावर को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है तो चार सेकेंड ये रियलाइज़ कर चुके थे और इधर कंपनी जो है वो एक लेटर भी लिख चुकी है कि हमारे पावर को इनक्रीज़ किया जाए और दूसरी चीज़ कि यहाँ पर जो इनकम की ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है और जब इनकम की ग्रोथ बन, बढ़ रही है और कंपनी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है तो अब क्या होगा कि जो ब्रिटेन ब्रिटेन की गवर्नमेंट है ब्रिटिश गवर्नमेंट वो कंपनी के पावर को बढ़ाएगी क्यों क्योंकि कंपनी प्रॉफिट में है इसलिए और जो चार्ल्स सेकेंड है उसने रियलाइज़ भी कर लिया है कि जो इंडियन रूलर है जो किंग है उनकी कंडीशन को उसने रियलाइज कर लिया है इसलिए अब जो है धीरे धीरे इसकी पावर को बढ़ाया जाएगा कंपनी की पावर को ठीक है तो अब यहाँ पे देखना है कि मेन फीचर्स क्या क्या हैं इसके 1661 के राइट टू एडमिनिस्ट्रेशन कि कंपनी को क्या राइट right मिला इस चार्टर के थ्रू वो देखना है आपने स्टार्टिंग का इंट्रो देख लिया कि कितने टाइम पीरियड हो चुके हैं और ऊपर से कोई पावर नहीं है इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है इन्होंने लेटर लिखा कि मुझे पावर दिया जाए ताकि मैं कंट्रोल कर पाऊँ चीज़ों को यहाँ पर तब कम गवर्नमेंट ने कंपनी को पावर दिया सिक्सटीन सिक्सटी वन के चार्टर से और क्या पावर दिया है देखिए राइट टू एडमिनिस्ट्रेशन उसको एडमिनिस्ट्रेशन का राइट right दिया वो क्या बोला उसने कि जो कॉलोनीज़ हैं जो फोर्ट हैं जो सिटीज़ के लोग हैं उनके ऊपर आप एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं ठीक है ये पावर इन्होंने दिया कि आप फोर्ट कॉलोनीज़ और जो सिटीज़ हैं वहाँ पर आप रूल कर सकते हैं अब ये पावर दी दूसरी पावर क्या थी कि अगर ज़रूरत है और एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करने के लिए अगर जरूरत है तो वहाँ के लोकल किंग से आप वॉर भी कर सकते हो ये पावर भी राइट दिए गए इस चार्टर के थ्रू नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि अगर कंपनी की कंपनी कि जो मोनोपोली है जो ट्रेड की मोनोपोली है अगर उसमें कोई भी पर्सन इंटरफेरेंस करता है तो उसके उसके लिए कहा क्या करना है लेटिगेशन के लिए कहा गया और कहाँ जाके स्टार्ट करना है ब्रिटेन में कि आपको अगर प्रॉब्लम है कंपनी की मोनोपोली से तो आप लेटिगेशन शुरू कर सकते हैं कहाँ ब्रिटेन में तो आप देखिए कि राइट टू एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है कि कंपनी को अब एडमिनिस्ट्रेशन करने की पावर मिल गई कहाँ फोर्ट पे कॉलोनीज़ पे जो भी मेंबर हैं उसके अंदर आते हैं उसके फोर्ट में उसकी कॉलोनीज़ में उन सब पे अब वो एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है और साथ में कि अगर ज़रूरत है तो जो लोकल किंग है आप उससे वॉर भी कर सकते हो और नेक्स्ट कि अगर आपकी जो पावर जो मोनोपोली है उसमें अगर कोई इंटरफेरेंस करता है तो आपके पास ये अथॉरिटी है कि आप उससे कहिए कि वो लिटिगेशन करे और कहाँ करे कहाँ स्टार्ट करे ब्रिटेन में ये एडमिनिस्ट्रेशन की पावर दी गई थी नेक्स्ट देखिए अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स कंपनी को ये ऑथराइज़ किया गया कि वो गवर्नर और ऑफिसर्स अपॉइंट कर सकती है किस लिए जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सारे सब्जेक्ट पे और कह सकते हो एज वेल एज़ वर्कर्स ऑफ कंपनी की जो कंपनी के वर्कर्स हैं उनके लिए अब कंपनी के पास ये पावर आ गई है कि वो गवर्नर और ऑफिसर्स अपॉइंट कर सकती है ज्यूडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब के लिए वो अपॉइंट कर सकती है यानी कि केवल सिविल और क्रिमिनल वो दोनों मैटर के लिए इसमें पावर दे दी गई और साथ में जो कंपनी के वर्कर्स हैं उनके ऊपर भी नेक्स्ट देखिए कि अगर कोई भी पर्सन अगर कंपनी के लॉ या ऑर्डर को कि जो ये लॉ बनाएंगे या जो गवर्नेंट काउंसिल होगी गवर्नर एंड उसकी काउंसिल अगर उसने कोई लॉ बनाया है और कोई भी उसका उल्लंघन कर रहा है तोड़ रहा है तो उसको पनिश्ड किया जाएगा चाहे वो कोई भी हो ये अब अप, ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए थे सिक्योरिटी की बात देखिए कि इस चार्टर के थ्रू कंपनी को क्या सिक्योरिटी दी गई कि ये चार्टर अब ये इनको अथॉरिटी दे रहा है कि ये फोर्स रख सकते हैं वेपन रख सकते हैं ठीक है अपनी सिक्योरिटी के लिए ठीक है फाइटरशिप रख सकते हैं ये सारी चीज़ें जो हैं ये अपने साथ रख सकते हैं अपनी सेफ्टी के लिए ठीक है दूसरी चीज़ कि कंपनी कमांडर रख सकती है और अदर ऑफिसर्स रख सकती है ठीक है जो गवर्नर हैं और जो उसकी काउंसिल है उन और ट्रेड जो ट्रेड हो रहा है उन सारे पर्पज़ से ये जो ऑफिसर्स कमांडर ये सब अपॉइंट कर सकती है कंपनी क्यों अपनी सिक्योरिटी के लिए ठीक है जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में देखिए कि इसको क्या पावर दी गई जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में इसको पावर जो दी गई है वो दी गई है कि जो कंपनी का जो केस हो ठीक है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी केस उसका पर्सनल हो कंपनी का उसको ये सॉल्व करेगी कंपनी की जो लिमिट है उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम आएगी उसको सॉल्व करेगी साथ में ऑल द केसेस ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल नेचर मतलब कंपनी की जो प्रॉब्लम है वो देखेगी कंपनी की लिमिट जहाँ तक है उसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो देखेगी और साथ में सारे सिविल एंड क्रिमिनल केसेस को डील करेगी ठीक है ये चार्टर 1661 से ये सारी पावर्स जो है वो दी गई हैं ठीक है थीके? अब आपको इससे क्या लग रहा है आपने देखा कि रीजनल पावर भी दे रही है रीजनल पावर का मतलब कि जो वहाँ पर लोकल एरियाज़ में जो इंडियंस हैं जो फोर्ट के अंदर या जो उनकी कॉलोनीज़ हैं उनके अंदर रह रहे हैं कोई बिजनेस कर रहे हैं या कंपनी में ही कोई जॉब कर रहे हैं उन सब उन इंडियंस के ऊपर भी इन्होंने लॉ बनाने का जो है वो पावर कंपनी को दे दिया तो इससे क्या हुआ उन उनके पास जो तीन तरह की चीज़ें आई ठीक है सबसे पहले रीजनल पावर आ गई ठीक है जुडिशियल पावर आ गई और साथ में ट्रेड की पावर तो है ही है तो अब जो कंपनी है वो केवल और केवल ट्रेडिंग कंपनी ना होकर अब उसके पास कैसी पावर आ गई ट्रेडिंग पावर के अलावा उसके पास रीजनल पावर आ गई तो आप 1661 को देखें कि कैसे ये जुडिशियल चार्टर है उसके साथ और चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी ठीक है देखिए यहाँ पर जो इनको पावर दी गई है पनिशमेंट की उसमें देखें कि जो 1600 चार्टर है वो कितना सिंपल था आप देख सकते हैं कि जो 1600 चार्टर है वो बहुत ही सिंपल था उसमें पनिशमेंट बहुत कम दी गई थी लेकिन अगर आप वहीं 1661 को देखें तो उसकी गवर्नर एंड हिज काउंसिल जो गवर्नर एंड काउंसिल है उसको इन्होंने पनिशमेंट देने का राइट दिया और यहाँ तक कि कैपिटल पनिशमेंट देने का भी राइट इन्होंने 1661 के थ्रू गवर्नर एंड गवर्नर काउंसिल को दे दिया तो आप समझ सकते हैं कि इनको कितनी ज़्यादा पावर मिल गई इसलिए ये चार्टर जुडिशल चार्टर है 1661 और आपने एक चीज़ देखा कि यहाँ पर गवर्नर और जो उसकी कंपनी है उसके पास पावर मिल गई जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की चेंजेस लाने की अमेंडमेंट करने की ये सारी पावर गवर्नर गवर्नर काउंसिल के पास आ गई है तो ये जो कंपनी की आप देख रहे हो कि जिस तरीके से इनके पास पावर है कि इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करने का कंपनी गवर्नमेंट ने ब्रिटिश गवर्नमेंट चार्ल्स सेकेंड ने कंपनी को ये ऑथराइज कर दिया कि आप अपने यहाँ गवर्नर और उस और ऑफिसर्स अपॉइंट कर सकते हैं जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पावर भी दे दी गई जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड ऑल जो भी केसेस हैं सिविल एंड क्रिमिनल उन सब पे ये लॉज बना सकते थे उनको देख सकते थे पनिश कर सकते थे ये सारी पावर दे दी गई तो आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर सिक्सटीन सिक्सटी वन का चार्टर है ठीक है और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट मैंने हेडिंग बना रखी है राइट टू एडमिनिस्ट्रेशन अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स सिक्योरिटी से रिलेटेड ठीक है जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड पावर हैं फिर पनिशमेंट से रिलेटेड पावर है ठीक है तो ये सारी पावर्स हैं और आप देख सकते हैं सिक्सटीन सिक्सटी वन का जो चार्टर है वो क्यों आया तो उसके पीछे भी रीज़न है क्योंकि सिक्सटी ईयर्स जो हैं वो बीत चुके हैं और अब जो कंपनी है प्रॉब्लम फेस रही क्योंकि उसके पास पावर नहीं आपने सिक्सटीन हंड्रेड चार्टर देखा कितनी लिमिटेड पावर है केवल और केवल ट्रेड को एडवांस बनाने की पावर है अपने अंदर जो भी कंपनी के अंदर मेम्बर्स हैं उनके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स uh, है उसको सॉल्व करने के लिए उनके पास राइट right है और बहुत अधिक वो पनिशमेंट दे सकते हैं तो केवल और केवल जो है वो पेनाल्टी इम्पोज़ कर सकते थे तो या सस्पेंड कर सकते थे ऐसी ही पनिशमेंट वो दे सकते थे केवल और उसके बाद जब सिक्सटीन सिक्सटी वन का चार्टर आता है और ये लोग डिमांड करते हैं कि मेरी पावर को बढ़ाया जाए तो ब्रिटिश गवर्नमेंट भी यहाँ की सिचुएशन को देखती है क्योंकि कंपनी का इंटरेस्ट अब धीरे धीरे जो है वो ट्रेड से कहाँ कन्वर्ट हो रहा है पॉलिटिकल भी हो रहा है तो ट्रेड से कन्वर्ट होके किधर जा रहा है पॉलिटिकल की तरफ जा रहा है तो आप देखिए कि ट्रेड तो है ही साथ में उसका क्योंकि यहाँ की वो कंडीशन समझ गए कि यहाँ के जो किंग हैं उनका क्या नेचर है और किस तरीके से वो आपस में लड़ रहे हैं तो इस तरीके की जो कंडीशन है वो समझ गए हैं जो ब्रिटिशर्स और वहाँ के जो किंग हैं चार्ल्स सेकेंड वो भी समझ गए और दूसरी इतनी ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को ठीक है तो बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट हो रहा है तो इसलिए भी जो है उनको लग रहा है कि नहीं अब इतनी कंपनी जो है बहुत ही बेनिफिशियल है हमारे लिए और इसको पावर देनी पड़ेगी जब ये डिमांड कर रही है तो ठीक है और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो सिक्सटीन हंड्रेड का सिक्सटीन सिक्सटी वन का चार्टर है अब इस चार्टर से क्या हुआ कि कंपनी केवल एक ट्रेडिंग कंपनी ना होकर कैसी हो गई उसके पास रीजनल पावर आ गई तो आप देखिए कि किस तरीके से रीजनल पावर आ गई और जो 1600 चार्टर है वहाँ पर केवल एक जनरल कोर्ट इस्टैब्लिश किया गया था जिसमें बहुत लिमिटेड पावर थी लेकिन 1661 में एक गवर्नेंट काउंसिल इस्टबलिश की गई है मीन्स एक गवर्नर और उसकी ऑफ़िसर्स तो वो मिलकर डिसीजन लेते थे लॉज बनाने बनाते थे हर एक पॉइंट पे कंपनी की लिमिटेशन पे कि जहाँ तक उसकी लिमिट है उसके अंदर जो भी चीज़ें आ रही हो उस पर लॉज बना सकते थे कंपनी के लिए लॉ बना सकते थे और सिविल और क्रिमिनल जितने भी केसेस हैं उनके लिए लॉ बना सकते थे तो क्लास ये सिक्सटीन एंड सिक्सटी वन का चार्टर था सिक्सटीन हंड्रेड एंड सिक्सटीन सिक्सटी वन ठीक है तो आप देखिए ये दो चार्टर आज इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट हो गए हैं ठीक है और ये स्टार्टिंग के चार्टर हैं इसलिए मैंने बताया था कि द ईस्ट इंडिया कंपनी गोज़ टू द क्रेडिट ऑफ इस्टैब्लिशिंग द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया ठीक है तो ये जो क्रेडिट दिया गया है ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया का इस्टैब्लिश होने का वो चार्टर सिक्सटीन हंड्रेड को दिया गया है और सिक्सटीन सिक्सटी वन को क्या क्रेडिट दिया गया है क्रेडिट ये दिया गया है कि एक ये जुडिशियल चार्टर है और इसके थ्रू कंपनी अब केवल ट्रेडिंग कंपनी ना होकर रीजनल पावर वाली कंपनी हो गई है और इसके तीन पावर हो गए हैं एक तो आपने देखा सबसे पहले जो पहले से चला रहा है ट्रेडिंग पावर दूसरा जुडिशियल पावर हो गया सिविल एंड क्रिमिनल दोनों पावर उसके पास आ गई कंपनी के पास की कंपनी की मैं बात कर रही हूँ इस चार्टर से क्या चेंजेस आए और लास्ट इसके पास रीजनल पावर आ गया ठीक है तो आप देख सकते हैं ये दोनों चार्टर ठीक है 1600 एंड 1661 का चार्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर शॉर्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि कैसे आ रहे हैं और इसमें फैक्ट भी बहुत ज़्यादा है जैसे कंपनी का पूरा आपको यहाँ पे देखिए कि कंपनी को क्या कहते थे इतना लंबा नाम है वो भी आप याद रखिएगा ठीक है तो इस तरीके से इसमें किसने कौन सा चार्टर ग्रांट किया है जैसे सिक्सटीन क्वीन एलिजाबेथ ने तो सिक्सटीन सिक्सटी वन किसने चार्ल्स सेकेंड ने तो ये सारे नाम आपको ध्यान रखने पड़ेंगे ठीक है क्लास और ये भी हाँ लास्ट में चलते चलते कि सिक्सटीन हंड्रेड में जनरल कोर्ट इस्टैब्लिश हुआ था सिक्सटीन सिक्सटी वन में गवर्नेंट काउंसिल इस्टब्लिश हुई थी तो ये ध्यान रखिएगा क्लास ठीक है चलिए